दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इंडियन फास्टेस्ट बॉलर आशीष नेहरा के बारे में, जिन्होंने अभी हाल में ही 1 नवंबर को T20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने कैरियर का लास्ट मैच खेला है और साथ ही साथ इंटरनेशनल मैच में तीनों फॉर्मेट को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया, जिसको कि रवि शास्त्री वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया का नाम दिए थे और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी आशीष नेहरा को फ्यूचर बॉलिंग कोच के नज़र से देखते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2003 में पॉली उमरिगर ट्रॉफी में विराट कोहली ने हाईएस्ट रन स्कोर किया था, जिस वजह से विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने आशीष नेहरा को एज ए गेस्ट बुलाया था, जिसमें कि आशीष नेहरा ने विराट कोहली को अवार्ड से सम्मानित किया था और साथ ही साथ उन्होंने अपना आशीर्वाद विराट कोहली को दिया था। और अभी हाल में ये सीन 1 नवंबर 2017 को पूरा का पूरा उल्टा देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब क्या, जैसी करनी वैसी भरनी? नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1999 में जब आशीष नेहरा ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था तब विराट कोहली की उम्र सिर्फ 10 साल थी और वहीं पर हार्दिक पांड्या की उम्र 5 साल थी और कुलदीप यादव 4 साल के दूध पीते बच्चे थे। और ये सब के सब खिलाड़ियों के लिए आशीष नेहरा एक इंस्पिरेशन है। आशीष नेहरा ने इन सभी खिलाड़ियों को बैठा बैठा के मैच के बारे में सिखाया है। और ख़ास बात यह है कि आशीष नेहरा के बॉलिंग करने का टैलेंट ये था कि बॉलिंग करते समय कभी ऑफ एंड स्विंग करते थे और कभी लेग में, जिस वजह से बैट्समैन को काफ़ी कंफ्यूजन होती थी। इसी के चलते उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय खिलाड़ियों को नेट प्रैक्टिस करवाई है और आज आशीष नेहरा इंडियन क्रिकेटर टीम के लिए एक इंस्पिरेशन है और काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं और सभी के सभी प्लेयर उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों आशीष नेहरा जी के स्टार्टिंग करियर के बारे में। आशीष नेहरा का जन्म 29 अप्रैल 1979 दिल्ली में हुआ था, जिनके माँ का नाम सुमित्रा नेहरा है और उनके पापा का नाम दिवांग सिंह नेहरा है। आशीष का पूरा नाम आशीष दिवांग सिंह नेहरा है, जिन्होंने अपनी पहली ऑफिशियल मैच 1997 में दिल्ली में खेला था, जिसमें कि उनके प्रदर्शन काफ़ी अच्छे रहते हैं। और 2 साल बाद ही आशीष ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच 1999 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेला था, जिसमें कि उन्होंने मारवान अटप्पू का विकेट भी लिया था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और 2 साल बाद 2001 में आशीष नेहरा ने अपना पहला ओआईडी इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, जिसमें कि उन्होंने दूसरे ही बॉल पर अलियस्टर कैम्बल को आउट किया था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि ये सब खिलाड़ी अपने अपने फॉर्मेट में काफ़ी माहिर थे। और 2003 में आशीष को वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका मिला, जिससे कि आशीष ने अपने आप को तीनों फॉर्मेट में एक बेहतरीन प्लेयर साबित किया, जिससे कि उनकी पकड़ इंडियन क्रिकेटर टीम में पक्की हो गई। और एक रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष नेहरा की बॉलिंग एवरेज 30.54 है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक जहीर खान, अजीत अगरकर और इरफान पठान, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी आशीष नेहरा से एवरेज के मामले में काफ़ी पीछे हैं। और आज इंडियन क्रिकेटर टीम के लिए दुख की बात यह है कि आशीष नेहरा को उनकी हेल्थ के कारण टीम से संन्यास लेना पड़ा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको आशीष नेहरा जी की स्टोरी बहुत ही शॉर्ट करके बताई है और आप मुझे लाइक और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।